हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CU-CET 2019 के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो नए अपडेट आते हैं जॉब्स और एडमिशंस के लिए, उनके लिए वीडियोज बनाता हूँ। और मैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन, जैसे कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, NDA, CDS आदि एग्जाम्स के लिए वीडियोज बनाता हूँ। और मैंने इन एग्जाम्स की स्टडी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित PDF नोट्स मंगाना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CU-CET 2019 के बारे में बताऊंगा। ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन हेतु समन्वयक विश्वविद्यालय है। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, इसमें जो विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये असम विश्वविद्यालय, बंगलुरु डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ प्रवेश की घोषणा 2019-2020 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा बंगलुरु डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कर्नाटक सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CU-CET 2019 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा देश भर में अनेक केंद्रों पर दिनांक 25 व 26 मई 2019 को आयोजित की। सामान्य सूचना, यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि, महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13 मार्च से 13 अप्रैल 2019 तक है। परीक्षा तिथि 25 व 26 मई 2019 को है और परिणाम 21 जून 2019 को आएगा। सामान्य सूचना, CU-CET 2019 की विस्तृत जानकारी CU-CET की वेबसाइट www.cucetexam.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे CU-CET 2019 की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। जो उम्मीदवार डिग्री प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु अंतिम परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी आवेदन के लिए योग्य हैं। अध्ययन कार्यक्रम, पात्रता मानदंड इत्यादि का विवरण सहभागी विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। CU-CET 2019 सामान्य परीक्षा शुल्क देकर एकल परीक्षा के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। CU-CET में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन ऑनलाइन अतिरिक्त शुल्क के साथ ऑफलाइन काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहभागी विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन हेतु समन्वय संस्थान बंगलुरु डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कर्नाटक सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान। तो जो कैंडिडेट्स केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस जो विश्वविद्यालय, इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्सेज के लिए, तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cucetexam.in। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता। तो जो कैंडिडेट्स केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को देख सकते हैं, भर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के इम्पोर्टेंट फॉर्म्स छूट जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।